मंत्री के साथ खुला। नवजोत सिंह सिद्धू को झटका, पंजाब के एडवोकेट जनरल महीन ने नहीं दिया इस्तीफा। राजधानी दिल्ली में एयर क्वालिटी बेहद खराब, कई इलाकों में विजिबिलिटी प्रभावित। आज मनाया जा रहा धनतेरस का पर्व, शॉपिंग के लिए शुभ मुहूर्त का रखे ध्यान, सोने चांदी के सिक्के खरीदना भी शुभ। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। धनतेरस की अनेकों शुभकामनाओं के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यानी 2 नवंबर 2021 को आवास विभाग में नव नियुक्त सहायक अभियंताओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। ये कार्यक्रम 5 कालिदास मार्ग लखनऊ में होगा। वही सीएम योगी ने सभी देशवासियों को धनतेरस की शुभकामनाएं भी दी है। तो आज धनतेरस का पर्व है और सीएम योगी ने सभी देशवासियों को धनतेरस की शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही आज नियुक्ति कार्यक्रम में भाग भी लेंगे सीएम योगी और सहायक अभियंताओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ आज यानी 2 नवंबर 2021 को आवास विभाग में नव नियुक्त सहायक अभियंताओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे और साथ ही ये कार्यक्रम 5 कालिदास मार्ग लखनऊ में होने वाला है। तो सीएम योगी के आज भी कई कार्यक्रम हैं और सीएम योगी सबसे पहले आज उन्होंने सुबह सुबह त्योहार की यानी कि धनतेरस की देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं, इससे अपने दिन की शुरुआत करी। और साथ ही उनका जो एक मुख्य कार्यक्रम है आज, सहायक अभियंताओं की जो नियुक्ति हुई है उसके नियुक्ति पत्र आज वितरित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर पदों के लिए होने वाली परीक्षा की आयोजन तिथि घोषित कर दी गई है। यूपी पुलिस एसआई परीक्षा 2021 का आयोजन 3 चरणों में होगा। पहले चरण की परीक्षा 12 नवंबर 2021 से आयोजित की जाएगी। 12 नवंबर से 2 दिसंबर 2021 के मध्य परीक्षा के सभी चरण पूरे कर लिए जाएंगे। परीक्षा का डिटेल शेड्यूल आधिकारिक वेबसाइट पर दिया हुआ है। इसे देखने के लिए आपको यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट और प्रमोशन बोर्ड लखनऊ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, जिसका पता है upppb.gov.in। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के माध्यम से मेल और फीमेल दोनों पद भरे जाएंगे। परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड होगी और 3 चरणों में पूरी की जाएगी। इस साल ये परीक्षा 9,534 पदों के लिए आयोजित होगी। इसमें से 9,027 पद एसआई यानी सब इंस्पेक्टर के हैं, बाकी 484 पद प्लाटून कमांडर और 23 पद फायर ऑफिसर के हैं। वहीं कैंडिडेट इस बात का भी ध्यान रखें कि ये तारीख प्लाटून कमांडर पीएसी और फायर सेकंड ऑफिसर मेन परीक्षा के लिए है। परीक्षा के 3 दिन पहले एडमिट कार्ड रिलीज किए जाएंगे, जो आधिकारिक वेबसाइट से ही डाउनलोड करने होंगे। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर सियासत शुरू हो गई है। अखिलेश यादव के बयान पर पटेल समाज ने नाराजगी जताते हुए पुतला फूका है। नाराज पटेल समाज ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का पुतला फूका। हजरतगंज स्थित पटेल प्रतिमा पर यह पुतला फूका गया है। जिन्ना से पटेल की तुलना पर पटेल समाज में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो ये समाजवादी पार्टी के बयान के बाद इस तरह की घटना देखने को मिली है। अखिलेश यादव के बयान पर सियासत अब शुरू हो गई है। अखिलेश यादव के बयान पर पटेल समाज ने नाराजगी जताई है और ये पुतला फूका गया है। तस्वीरें देख सकते हैं आप लखनऊ में किस तरह से अखिलेश का पुतला फूका गया है। नाराज पटेल समाज ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का पुतला फूका है, जिसकी तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लखनऊ से ये खबर सामने आई है। हजरतगंज स्थित पटेल प्रतिमा पर यह पुतला फूका गया। ने सरदार पटेल की तुलना देशद्रोही जिन्ना से की थी और उसके लिए सारा समाज आक्रोशित है। और जिस तरह से उन्होंने तुलना करी उनके बारे में क्या स्थिति है, उनकी उनकी बना स्थिति क्या है, खराब विकृत मानसिकता से वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। जिन्ना जिन्होंने देश के टुकड़े किए, जिन्होंने हिंदुस्तान को डिवाइड किया, करोड़ों लोगों की जान।
धनतेरस का पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी यानी आज मंगलवार के दिन मनाया जा रहा है। आज के दिन सोने चांदी के अलावा बर्तन खरीदने की परंपरा है। इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा के अलावा मां लक्ष्मी और कुबेर की पूजा की जाती है। आज के दिन खरीदारी करने के लिए शुभ मुहूर्त का खास ध्यान भी रखा जाता है। हालांकि धनतेरस की खरीदारी के लिए आज कई शुभ योग बन रहे हैं जिसमें खरीदारी करना फलदायी रहेगा। त्रिपुष्कर योग में खरीदारी करने से 3 गुना अधिक शुभ लाभ प्राप्त होता है, ये भी बताया जा रहा है। तो आज सोने चांदी के सिक्के खरीदने से काफी लाभ मिलता है। आज भगवान धन्वंतरी, मां लक्ष्मी और कुबेर की पूजा की जाती है ताकि लोगों को धन की प्राप्ति हो। ज्यादा से ज्यादा जो कुबेर हैं और मां लक्ष्मी हैं उनकी कृपा लोगों पर बरसे और सदैव उनके जो खजाने हैं वो भरे रहे, इसलिए इस पर्व को मनाया जाता है और मां लक्ष्मी की पूजा करी जाती है। यूं तो मां लक्ष्मी की पूजा दिवाली के दिन भी की जाती है, लेकिन धनतेरस का काफी महत्व है क्योंकि बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। इस दिन लोग सोने चांदी के अलावा बर्तन खरीदना भी पसंद करते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कुछ ना कुछ धातु की वस्तु घर में लानी चाहिए, जिससे शुभता का प्रतीक माना जाता है। संभल के पंबासा विकासखंड के एक गांव अड़ौला में राशन डीलर के फर्जी राशन कार्ड बनाने का ग्राम प्रधान ने जिलाधिकारी को एक लिखित शिकायत पत्र दिया है, जिसमें ग्राम प्रधान ने कहा है कि 4 महीने पहले राशन डीलर द्वारा अनाज की घटतौली की शिकायत दर्ज कराई गई थी, जहां वीडियो में राशन 5 किलोग्राम प्रति यूनिट की जगह 3.5 किलो प्रति यूनिट राशन की गई थी और साथ ही कार्ड धारक को राशन दिया जा रहा था। कुछ दिन पहले घटतौली के संबंध में वीडियो भी वायरल हो चुका है, जिसमें घटतौली को लेकर ग्रामीणों की राशन डीलर ने नोकझोंक भी हुई थी और इस पूरे मामले पर ग्रामीणों का कहना है कि डीलर की दबंगई के चलते कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो यहाँ डीलर की दबंगई देखने को मिल रही है। ग्राम प्रधान ने शिकायत पत्र भी भेजा है जिलाधिकारी को, लेकिन यह भी कहा गया है कि इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। राशन डीलर के खिलाफ लगातार घटतौली के मामले सामने आए हैं। इससे पहले इसका वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसके बाद शिकायत पत्र भी भेजा गया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि कोई कार्रवाई नहीं होती है इस व्यक्ति के द्वारा जो कि घटतौली का काम लगातार कर रहा है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल महाराजगंज से आजमगढ़ जिले की पुलिस लाइन में पहुंची, जहां उनको पुलिस लाइन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जिले के 2 दिवसीय दौरे पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आजमगढ़ कलेक्ट्रेट में पहुंचकर जिले की पहचान ओडीओपी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के प्रोडक्ट ब्लैक पॉटरी की प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस प्रदर्शनी में ब्लैक पॉटरी मुबारकपुर की साड़ियों की भी लगाई गई थी, जिसके साथ ही स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए जा रहे उत्पाद भी यहां पर रखे हुए हैं। वहीं कलेक्ट्रेट परिसर में 17 स्टॉल लगाए गए। सभी स्टॉलों पर जाकर राज्यपाल ने उनके उत्पादों के बारे में जाना। तस्वीरें देख सकते हैं आप, ये आजमगढ़ की हैं। 2 दिवसीय दौरे पर राज्यपाल गई हैं, जहां पे उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ओडीओपी प्रदर्शनी की शुरुआत करी है खुद राज्यपाल ने, जिसका निरीक्षण भी उन्होंने किया। आपको बता दें कि ये जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं उनके लिए ये काफी प्रोत्साहित करने वाली चीज है, क्योंकि उन्हें एक अवसर दिया जा रहा है सरकार की तरफ से। और आजमगढ़ कलेक्ट्रेट में खुद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहुंची और जिले की पहचान ओडीओपी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के प्रोडक्ट ब्लैक पॉटरी प्रदर्शनी का शुभारंभ करते हुए किया गया। और इस प्रदर्शनी में ब्लैक पॉटरी मुबारकपुर की साड़ियों की भी लगाई गई थी, यानी कि कई चीजों की प्रदर्शनी लगाई गई है। लोगों को सस्ते दाम पे चीजें देने की कोशिश भी की जा रही है और साथ ही जो वेंडर्स हैं उन्हें भी आगे बढ़ाया जा रहा है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। खबर यूपी के चंदौली जनपद के पुलिस लाइन से है, जहां पर पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने पुलिस लाइन में उपस्थित छात्रों को यातायात के बारे में संबोधित करते हुए कहा कि 18 साल के उपरांत ड्राइविंग लाइसेंस बन जाने के बाद ही मोटरसाइकिल चलाएं और हेलमेट पहन के ही मोटरसाइकिल चलाएं।
वहीं एसपी अंकुर अग्रवाल का संबोधन सुन छात्र काफी उत्साहित नजर आए। कार्यक्रम के उपरांत पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने हरी झंडी दिखाकर यातायात मान नवंबर 2021 जागरूकता रैली का शुभारंभ किया। इस दौरान सैकड़ों स्कूली छात्र और पुलिसकर्मी मोटरसाइकिल से यातायात मान नवंबर 2021 के जागरूकता रैली निकाली गई। वहीं एसपी अंकुर अग्रवाल ने जागरूकता रैली में जा रहे पुलिसकर्मियों और छात्रों का हौसला अफजाई भी किया। दिवाली का त्योहार नजदीक आ गया है, लेकिन दिवाली पर आम लोगों के जीवन में रोशनी देने वालों के जीवन में अंधेरा है। बड़ी मुश्किल से प्रजापति समाज दिए के मिट्टी के दिए लेकर आते हैं और फिर दिए बनाने का काम किया जाता है, और लेकिन जब उनसे बात की गई तो उनका दर्द सामने आ गया। बहुत से कुम्हारों को शासन द्वारा दिए जाने वाला चाक भी नहीं मिला है, जिससे उनकी परेशानियां बढ़ गई हैं। तो मैनपुरी से ये खबर सामने आई है, जहां कुम्हारों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिए बनाने के लिए पहले वो मिट्टी लेकर आते हैं, उसके बाद इन दिए को बनाते हैं, लेकिन इनके जीवन में कहीं ना कहीं अंधेरा देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो पॉटरी जो होता है, जिससे कुम्हार अपने बर्तन बनाते हैं, उसकी भी उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बलिया के बासडी रोड के श्रीपुर गांव में पानी टंकी के ऑपरेटर की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। अपने खेत में काम कर रहे ऑपरेटर की उसी के गांव में रहने वाले युवक ने हत्या कर दी है गोली मारकर, और इस मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल पर पहुंचकर वहां का जायजा लिया। साथ ही पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करके उससे पूछताछ कर रही है। बलिया से ये खबर सामने आई है, जहां दिन दहाड़े पानी की टंकी के ऑपरेटर की गोली मारकर हत्या कर दी है। जिस वक्त वो अपने खेत पे काम कर रहा था, उस वक्त इस घटना को अंजाम दिया गया है। उसी के गांव के एक व्यक्ति ने उसे गोली मारी है, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और अब आगे की पूछताछ और जांच में पुलिस जुट गई है। प्रतापगढ़ के एसपी ने दो नई पुलिस चौकियों का उद्घाटन किया है। एसपी प्रतापगढ़ का कहना है कि लोगों का समय बचाने के लिए उन्हीं के क्षेत्र में चौकियों का उद्घाटन किया जा रहा है, जिससे वो अपनी समस्या नजदीकी चौकी पर जाकर बता सके। इसी क्रम में लालगंज कोतवाली के जलेशगंज बाजार में पुलिस चौकी का शुभारंभ होने से अब लालगंज कोतवाली क्षेत्र में दो पुलिस चौकियों की संख्या में इस तीसरी पुलिस चौकी की बढ़ोतरी हुई है। एसपी ने पुलिसकर्मियों से कहा कि वो कमजोर और परेशान लोगों की मदद करने के लिए अपनी सेवाएं समर्पित करें। देखिए, कुछ हमारे थाना क्षेत्र पर्टिकुलरली कंधई और लालगंज के जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा बड़ा है और वहाँ पे चौकियों की संख्या कम है, तो इसी में जनता से सहयोग लेते हुए इसमें कई सारी चौकियों का अस्थायी चौकियों का निर्माण करवाया गया है। और इसी के क्रम में आज थाना लालगंज के अंतर्गत जलेसरगंज बाजार में अस्थायी चौकी स्थापित की गई है। इससे उद्देश्य है कि लोगों को उनके करीब और सुलभ न्याय मिल सके, अपनी बात अच्छे से। तो प्रतापगढ़ में दो पुलिस चौकियों का निर्माण इसलिए किया गया है ताकि जनता को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। अगर कोई परेशानी होती है तो अपनी नजदीकी पुलिस चौकी में जाकर उसकी शिकायत दर्ज कराई जा सके। उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए।